भाई देखो, मेरा खेलने का मन ना रहता तो मैं ना प्रैक्टिस करता ना कुछ करता। मैं अभी भी कस्टम खेलता रहता हूँ, रात को क्लासिक वगैरह खेलता हूँ खुद का, ताकि मैं गेम में रहूँ। ठीक है, मेरा गेम इतना छोड़ने का मन जल्दी है नहीं, ना मैं इतना जल्दी गेम छोड़ूंगा। जिस दिन मेरे को लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस दिन मैं छोड़ दूँ। बाकी लोगों के बोलने से या किसी और के बोलने से, कोई मेरे को आके बोले तू ये कर ले, तू इसमें ज़्यादा अच्छा है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। मेरा भी एक सपना था, तो मैं किसी के बोलने से तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वाई टीम नॉट प्लेइंग? टीम खेल तो रही है यार, खेल तो रही है टीम, कहाँ नहीं खेल रही? मैचेस नहीं देखते हो क्या आप? टीम तो बराबर खेल रही। जॉनी भी सुबह वाले मैचेस खेला था, बट उसकी शायद फिर तबीयत खराब हो गई तो वो खेला नहीं। रबा भाई जा को हटाओ गाइस, इनको थोड़ा टाइम दो, परफॉर्मेंस आ रही है, हो सकता है उनकी इन गेम कुछ गलती हो। आपको गेम बाहर से दिखने में कुछ और लगता है, अंदर से कुछ और होता है, तो उनको कर रहे दो अभी। अगर लेजिट कुछ प्रॉब्लम रहा तो स्टेप ले लेंगे, बाकी करने दो अभी। मैक के टाइम क्यों टाइम नहीं दिया फिर? कहाँ भाई, 2 साल हो गए। अबे 2 साल से ये लोग थोड़ी खेल रहे हैं, मेरे को पता ही था तुम बोलोगे 4 साल हो गए, लेकिन तुमने 2 साल बोल दिया। देखो अभी मैक उधर अच्छा खेल रहा है, फिर वापस मैक को इधर लेके आएंगे, फिर वापस मैक कुछ कर देगा, फिर तुम वापस उसको भर दोगे, फिर वापस मैक चला जाएगा, फिर तुम बोलोगे मैक ही अच्छा था। मतलब जाने के बाद उस प्लेयर की वैल्यू क्यों पता चलती है तुमको? हटाओ इसको, लाओ उसको, हटाओ। सोचो एकदम टॉप नॉच प्लेयर है, चलो इमेजिन करो एकदम खतरनाक प्लेयर आ गए, सारे रीसेंट ऑफ रेगर आ गए टीम के, तो फिर तुम किसको हटाओगे? फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, फिर किसको हटाओगे तुम?